आप देख रहे हैं केमास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं केमास न्यूज। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। केमास न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। थाने की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर ग्रामीणों ने किया थाना का घेराव। मामला आजमगढ़ जिले के तरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में 10 दिन पूर्व छेड़खानी व मारपीट की घटना में मांग की कार्रवाई को लेकर गांव के लोगों ने तरवा थाना का घेराव कर कार्रवाई की मांग की। 14 अगस्त की शाम गांव के दो लड़कों ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी। लड़की ने विरोध किया तो घर पर जाकर लड़की के भाई ने पूछा तो छेड़खानी करने वाले लड़कों व उनके पक्ष मारपीट कर घायल कर दिया। घायल भाई का मंडली अस्पताल में उपचार चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने खानापूरी करते हुए छेड़खानी के आरोपी को जेल भेज दिया। मारपीट के मामले में कार्रवाई नहीं हुई है, हमलावर धमकी दे रहे हैं। गांव से 100 की संख्या में लोगों ने थाने पर पहुंचकर थाना का घेराव किया, उसी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। जब इस विषय पर थाना अध्यक्ष से बात हुई तो उन्होंने कहा कि 14 अगस्त की दी गई तहरीर के आधार पर हमने मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया है और विवेचना जारी है। एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री अलगूराम, ग्राम बरेता पोस्ट तरवा थाना तरवा तहसील लालगंज जिला आजमगढ़ मेरा एड्रेस है। थाने पे आप सैकड़ों की संख्या में आए हुए हैं, क्या मामला आपका है? कि हमारा जो मैटर है, हमारा जो पहले तहरीर दिया गया हमारी घरवाली के साथ, वो तहरीर हमारे कायम नहीं अभी। तो जब हमारे लड़का को चोट लगा और जब चोट लगा तो इन्होंने हमारे साथ अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल में भेजा है। हॉस्पिटल में भेज करके बोला किसका पहले धमदाई केंद्र पर, तो वहाँ गया तो वहाँ से फिर उन्होंने सीरियल देखा, लड़का बेहोशी हालत में था। तो फिर उन्होंने सदर के लिए रिफ़र किया। सदर के लिए जब रिफ़र किया तो मैं तो मौके पर था नहीं, मैं तो बॉम्बे था। मैं 17 को ही सदर से बाहर अभी हूँ। मैं घर पे मतलब कल गया और परसों गया था, इधर लाया था तो हम 10 मिनट के लिए गया। फिर तुरंत लड़के उधर जो लोग थे लड़की के पास, मैं उधर वो जो लोग मारे हैं, जो लड़की के साथ हुआ है वो तो ठीक है। मेरे लड़की के साथ छेड़खानी किया, 4 बजे गोबर फेंकने गई वो, वहाँ जो है गोबर फेंकने गई तो ये 4 लड़के थे, सूरज बाप का नाम महेंद्र, अंकित बाप का नाम वीरेंद्र, विशाल है बाप का नाम विनोद है, और एक लड़का है बिक्की, उसके बाप का नाम अरुण है। आपने तहरीर दी तो उस तहरीर पर कार्रवाई क्या हुई? तो ये सिर्फ जो लड़की का बयान है ये दर्ज है, लेकिन हम ये न्याय चाहते हैं कि जो हमारे लड़के को मारा है वो मुझे न्याय मिले। इससे मैं राजी हूँ, खुशी हूँ, मैं वेलकम करता हूँ थाना अध्यक्ष साहब का, सारे डिपार्ट का। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? हम उसमें जो 4 छेड़े हैं वही गिरफ्तारी हुई, लेकिन जो लड़के हमारे बेटे को मारे हैं और उसमें गार्जियनशिप निगाहें हैं नगीना राम, वो जो हमारे वो नहीं पकड़े जा रहे हैं, उनका उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वो आज़ादी से घूम रहे हैं। तो आप थाने पे किस लिए आए हुए हैं? हम थाने पे यही चाह रहा हूँ कि हुई और जेल भी गए, हाँ, तो फिर आप दोबारा? हम इसलिए आया हूँ कि हमारे साथ न्याय हो, हमारे वो जो वो हैं वो पकड़े जाएँ। तो उन्होंने भी अभी आश्वासन दिया है कि नहीं, जब तुम मेडिकल पूरा लेके आओगे तब, तो अब यही बात है। अभी आपका लड़का कहाँ है? सदर हॉस्पिटल में है, अभी एडमिट है, वहाँ मेरी दवा चल रही है, वहाँ 14 से आज तक अभी तक वहीं पे है। स्थिति क्या बनी हुई है? स्थिति बहुत हल्का फुल्का सुधार हुआ है, पहले तो बेहोशी हालत में, अब थोड़ा मोड़ा बोल रहा है, इस थोड़ा मोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। सर हमारे साथ ये हुआ कि हम गोबर फेंक कर आ रहे थे, 4 बजे गोबर फेंक कर आ रहे थे, तो ये चारों साइकिल से थे, आगे पीछे हमारे हो रहे थे, तो हम कुछ नहीं बोले आ रहे थे। तो फिर बोले कि ये ले हमारे हमसे बतियाइए, मोबाइल नंबर ले, मोबाइल ले, हम कहने हम ना दें। फिर ज़बरदस्ती हाथे पे मतलब हाथों तो खींचे लगना, फिर हम जा आवे लगनी, तो फिर पीछे से हमारे भैया आवत रहना,
तो हम भैया के देखने के लगनी रोवे, तो फिर भैया का ना कहा भयाल है, हम कहने कि भैया देखा ऐसे ऐसे भयाल है तो इन लोगों को दूरी पर जाए लगना, तो भैया कहने कि चल ठीक है तू जो करे। फिर भैया गए ना समझौना उन्होंना उन लोगों के, फिर समझौने के बाद फिर हमारे भैया चलिए ना दुकान पर, फिर दुकान पर सजात रहना तभी लोग। ये जितना कार्य किया वो लोग कौन कौन थे आप उनको जानती पहचानती हैं? हाँ, क्या नाम है जो छेड़े हैं उनका? नाम है सूरज, विक्की, विशाल, अंकित। ये लोग कहाँ के रहने? यही बरेता के रहने वाले। आपके गांव के ही हैं? हाँ गांव के। अच्छा, उसके बाद मार भी हुई थी तो उसके बारे में आप क्या जानते हैं? मार के बारे में जानती हूँ सर, हम जा आए घर पे, बोले मम्मी उम्मी से कि मतलब ऐसा रास्ते में हुआ है, तो फिर मम्मी उम्मी बोली कि सुबह जाकर उन लोग के माता पिता से कह दूँगी। तो फिर हम लोग सुबह जाने के लिए प्लान बना रहे थे, ये लोग थी तो नहीं बचे, शाम को मार दिए उनको। भाई इस समय आपके कहाँ? आजमगढ़ एडमिट है। और जो लोग मारे हैं वो कौन? मारने वाले सुमंत हैं, उसके पिता का नाम नगीना है, और अजय हैं, उनके बाप का नाम नंदू है, और शुभम है, उसके बाप का नाम अरुण है, और सुमंत है, उसके बाप का नाम, और नगीना भी थे साथ। नाम बताइए अपना। इंद्रजीत पुत्र तुलसी। कहाँ के रहने वाले? बरेता। बरेता जी। सैकड़ों की संख्या पे यहाँ आप लोग खाने आए हुए हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि एक निर्दोष लड़के को जो है घर जा रहा था उसको जो है मार करके लोग फेंक गिरा दिए, और ये भी कहे कि तुम्हारे लड़के को मार दिए हैं, जाकर के लिए परवाह करो।